तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया एकदम झकास हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टम यूआरएल के ऊपर की। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो भैया आप अपने चैनल का नाम तो आसानी से चेंज कर सकते हो, पर जब बात आता है इस कस्टम यूआरएल को चेंज करने का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने पहले ही अपना एक कस्टम यूआरएल यहाँ पे बना रखा है अपने दूसरे चैनल का, और उसके बाद अब मुझे चाहिए कि भैया मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कस्टम यूआरएल भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है इस कस्टम यूआरएल को चेंज करने का, जबकि आप नाम तो कई बार चेंज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है तब भी आप कैसे अपने कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हो, तो चलिए जान लेते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सिंपल करना क्या है, आपको आना है यूट्यूब पर। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोल रखा है, यूट्यूब पर आने के बाद आपको अपने यहाँ पे आपका चैनल का लोगो दिख जाएगा। अपने चैनल के लोगो पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे नीचे आपको सबसे सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, आपको सिंपल इस सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। जैसे यहाँ पे आपको मैंने पहले दिखा दिया है वैसे ही आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बेटर सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाता है, या एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप सिंपल आ जाओगे अपने बेटर सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको आपका यूआरएल देखने को मिल जाएगा। जो कस्टम यूआरएल आपका होता है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसको चेंज करने के बारे में। आपको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके नीचे जहां पे आपका ये कस्टम यूआरएल आपको देखने को मिलता है ठीक इसी के नीचे आपको विजिट टू आपको देखने को मिल जाता है, आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सभी चीजें इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा, स्क्रॉल करने के बाद रिमूव कस्टम यूआरएल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको सिंपल इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलता है कि भैया आप 1 साल में 3 बार अपने यूआरएल को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर 3 बार चाहो तो अपने कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए आपको अब क्या करना होगा, अबाउट मी पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको आपका सारा जानकारी देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको आपका वेबसाइट आपका या जो भी आपका चैनल होगा उसका लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका कस्टम यूआरएल देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे निकालने पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल बोलेगा कि भैया क्या आप सचमुच में निकालना चाहते हो, या आप हटाना चाहते हो, या रिमूव करना चाहते हो अपने यूआरएल को, कस्टम यूआरएल को। आपको सिंपल यहाँ से कंफर्म कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म कर देते हो तो आपका जो भी कस्टम यूआरएल होगा वो यहाँ से हट जाएगा। जैसा कि आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपका कस्टम यूआरएल यहाँ से हट चुका है। अब हम आते हैं यहाँ से फिर से एडवांस वाले सेटिंग पे। यहाँ पे आपको एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो कस्टम यूआरएल है वो यहाँ से अब हट चुका है। और हटने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल आपका जो भी आपका चैनल होगा उसके हिसाब से आपको एक कस्टम यूआरएल ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको ये पुराना वाला वापस चाहिए, कि आपको नया चाहिए, या आप कोई और चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप इसको अभी नहीं कर सकते हो, और तो आप इस प्रकार से उसको बना सकते हो, सेव कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।